उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय नड्डा जी आज नागपुर में आए हैं। नड्डा जी एक कुशल संगठक है और हिमाचल प्रदेश से उन्होंने अपने कार्य की शुभारंभ किया है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अच्छा कार्य किया है और हिमाचल प्रदेश में हेल्थ मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने एक अच्छा नाम कमाया। बाद में राष्ट्रीय राजनीति में आए, पार्टी के महामंत्री बने और जो जो जिम्मेदारियां पार्टी ने उनको दी, आखिरी की जिम्मेदारी उनके ऊपर उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में चुनाव की जिम्मेदारी थी, हर जिम्मेदारी यशस्वी रूप से उसका पालन करके जीत पार्टी को दिलाने का काम जगत प्रसाद नड्डा जी ने किया। और इसीलिए संगठन का एक नम्र विनम्र और संगठन के लिए समर्पित ऐसा कार्यकर्ता आज हमारे पार्टी के कार्याध्यक्ष के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रहा है। विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि वो पहली बार नागपुर में आए हैं और विदर्भ में भी उनका पहला कार्यक्रम है। मैं विदर्भ का कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल और हमारी प्रभारी सुश्री पांडे जी, इन सब के नेतृत्व में आपको महाराष्ट्र में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पिछले बार जो जीत मिली थी उससे भी अच्छी जीत दिलाने का संकल्प आज करते हैं। मुझे पता है कि आप सब कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनाव के मूड में हैं और होना स्वाभाविक भी है। चुनाव की शुरुआत जो होती है वो शुरुआत में पहले फॉर्म भरने के पहले टिकट किसको मिलता है इसकी शुरुआत होती है। तो आजकल आशीर्वाद मांगने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और मैं बीच में एक कार्यक्रम में गया था तो कुछ विशेष आइकॉन करके चुनाव हुआ कुछ लोगों का, तो एक एक मतदार क्षेत्र में चार चार आइकॉन बनने के बाद मैंने उनको पूछा, भाई इतने आइकॉन बनाएंगे तो हमारे सामने समस्या खड़ी होगी कि टिकट किसको देना है। टिकट मिलना चाहिए ये अपेक्षा कोई गैर नहीं है। राजनीति में आते समय स्वाभाविक रूप से हम सब का मकसद होता है कि हम समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें और उसके साथ साथ सेवा करते करते हमें भी नेतृत्व करने का अवसर प्रदान हो, ये एक नैसर्गिक भावना कार्यकर्ताओं के मन में निर्माण होना कोई गलत बात नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को ऐसा लगता है जो हमारे में से काम करता है उसको लगता है कि मुझे पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं काम करने का अवसर मिलना चाहिए। पर आप हमारे अपने पार्टी के इतिहास को अगर देखेंगे तो इस पार्टी में जिनको पार्टी ने अवसर दिया है, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को हमारी हैसियत और अवकाश से ज़्यादा कई काफ़ी बड़ा अवसर पार्टी ने दिया है, तो ये अवसर जिनको दिया है ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या जितनी है उससे कई गुना ज़्यादा ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या है कि जिनको पार्टी ने जीवन भर कोई राजनीति, कोई पोस्ट, कोई पद उनको मिला नहीं,
पर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पार्टी के लिए समर्पित किया, पार्टी के लिए काम किया, ये पार्टी की परंपरा। आपको पता ही है कि हमारे विदर्भ में कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं। केवल आपके सब लोगों को याद भी होगा कि लक्ष्मणराव मानकर हमारे, क्योंकि पीढ़ी तो बहुत पुरानी होती गई, लोग आते गए चलते गए, उनकी परंपरा बहुत बड़ी है, पर लक्ष्मणराव मानकर जी का नाम आपको पता होगा। 1975 की इमरजेंसी आई और इमरजेंसी में हमारे सब कार्यकर्ताओं को जेल में बंद किया गया। 2 साल तक हमारे कार्यकर्ता मिसा में बंद थे और कार्यकर्ता बंद थे, बहुत कठिन समय था। और उसी समय में कॉलेज के, महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के लिए मैंने प्रवेश लिया था और उसी समय इमरजेंसी की परिस्थिति आई थी। वो समय बहुत कठिन था, पुलिस पीछा करते थे। उस समय हमारे पार्टी में कुछ आए हुए नए लोग थे, वो पार्टी छोड़कर चले गए। और उस समय इंदिरा जी का एक 20 कलमी कार्यक्रम था, जो आता था वो उसके ऊपर समर्थन करता था और हम लोग आइसोलेट हुए थे। एक प्रकार से हमारी परिस्थिति जो थी कि हमको जनता का सपोर्ट नहीं था, हम पूरी तरह आइसोलेशन में थे। लोग यहाँ तक कहने लगे कि अब ये पार्टी खत्म हो गई है। उस समय जनसंघ के रूप में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे, पर इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के खिलाफ इस देश को, लोकतंत्र को बचाने का कार्य अगर उस समय किसी ने किया तो हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ताओं ने, जनसंघ के उस समय के कार्यकर्ताओं ने। हमने पूरी ताकत झोंक कर संघर्ष करके इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो संघर्ष हुआ उसमें हमारे कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जयप्रकाश नारायण जी का नेतृत्व था और उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी हो, अडवाणी जी हो, जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, चंद्रशेखर जी हो, वो पूरा इतिहास राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उसका जरूर अध्ययन करना चाहिए। अटल जी, अडवाणी जी को बंगलोर के जेल में बंद किया गया था। और इतना ही नहीं तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अच्छा डिबेट हुआ था हेबियस कार्पस पर, जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था, मीसा, उसके अंतर्गत जिनको पकड़ा गया था उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रहा था। और उस समय सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने, उस समय के अटॉर्नी जनरल नीरेन डे, इनको एक प्रश्न पूछा था कि क्या इमरजेंसी है और कोई पुलिस वाला अगर किसी सामान्य व्यक्ति को अगर गोली मार देता है तो क्या इमरजेंसी के कारण उसको न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? तो उस समय नीरेन डे ने, जो अटॉर्नी जनरल थे भारत के, उन्होंने रिकॉर्ड पर यह कहा था कि आई एम वेरी सॉरी सर, बट द फैक्ट यही है कि इमरजेंसी लागू होने के कारण उनको किसी प्रकार का हक और न्याय मांगने का अधिकार नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो थे, अधिकार थे, वो समाप्त किए गए, लोकतंत्र समाप्त किया गया। और ऐसे स्थिति में हमारे पार्टी में सब लोग जेल में बंद थे तो चुनाव जाहिर हुआ। और चुनाव जब जाहिर हुआ तब मुझे याद है कि ऐसी स्थिति थी कि जॉर्ज फर्नांडिस जी ने उस समय कहा था कि चुनाव पर बहिष्कार डाल दो, चुनाव लड़ो मत। और मेरे लिए वो जीवन का ऐसा अनुभव था कि मेरे राजनीतिक जीवन की वो शुरुआत थी। मैं वो दिनों को कभी भूल नहीं सकता जब जीतने की कोई संभावना नहीं थी, भविष्य में कुछ मिलने की संभावना नहीं थी, मान सम्मान प्रतिष्ठा कहीं नहीं थी, एक प्रकार से पूरी तरह अंधकार था। ऐसे समय भी कार्यकर्ताओं में उत्साह था, जीत के प्रति विश्वास था और आगे जाने की महत्वाकांक्षा थी। उस समय जीत कोई नज़दीक नहीं थी, जीतने की संभावनाएं किसी को नहीं थी, फिर भी चुनाव हुआ तो तय हुआ कि चुनाव लड़े, जनता पार्टी बनी,
जनता पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, पार्टी विधिवत की स्थापना चुनाव के बाद हुई और उस जनता पार्टी के चुनाव में जो चमत्कार हुआ वो आपने देखा होगा। वो देश के लोकतंत्र का इतिहास है। और उस समय लक्ष्मणराव मानकर जी के प्रचार के लिए मैं भंडारा गोंदिया स्कूटर पर यहाँ से हम निकलते थे और जाते थे तो कुछ गरीब किसानों ने अपने पुराने धोती हमको दी थी और उस धोती के ऊपर गांव-गांव में उन्होंने लक्ष्मणराव मानकर का नाम और हल्दर जो चिन्ह था वो लिखकर उसको वोट दो करके जनता पार्टी को लिखा था। ना पोस्टर थे, ना बैनर थे, ना गाड़ियाँ थी, ना कोई हार थे, कार्यकर्ता काम कर रहे थे और ऐसा लगा नहीं कि अब क्या होगा। पर एक बार यही था कि भाई लोकतंत्र को बचाने का एक अवसर मिला है और इसलिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत की है और इसको बचाने के लिए हमको संघर्ष करना है। और उस स्थिति में हम सब काम कर रहे थे। वो बेचारे अनेक काम करने वाले कार्यकर्ता हमारे बीच में आज नहीं है, बहुत कम लोग हैं। अरुण भाव एक सामने बैठे हुए दिख रहे मुझे, उनके नेतृत्व में हमने लोकतांत्रिक युवा मोर्चा का काम किया था। स्टेज पर भी मैं देख रहा हूँ, लगभग मुझे नहीं लगता कि हंसराज जी केवल उस समय होंगे। और उस समय उस प्रकार के संघर्ष में हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और उस समय ऐसा भी लग रहा था कि चुनाव के बाद फिर से जेल में जाने की परिस्थिति आएगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, बेचारे जेल में बहुत से कार्यकर्ता, उनका मृत्यु हुआ, किसी के घर बर्बाद हुए, घर में खाने के लिए नहीं था, या किसी के घर में अनाज पहुँचाने का कार्यक्रम करने का काम कभी जिन कार्यक्रम उसमें मैं था। और मुझे उस परिस्थिति में पता है कि तरुण भारत में तनख्वाह नहीं दिया गया था 3 महीने। उस समय श्याम कड़वे करके मेरे साथ संघ का काम करते थे तो बाला साहेब देवरस जी ने उनको जेल में बुलाया तो मैं भी उनके साथ गया था। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से अपना फिक्स डिपॉजिट विड्रॉ करने के ऊपर साइन की। मैं और श्याम कड़वे बैंक में गए, वो पैसा विड्रॉ किया और बाला साहेब देवरस जी ने अपना डिपॉजिट विड्रॉ करके वो पैसा श्याम कड़वे जी ने तरुण भारत में पहुँचा दिया लोगों के पगार करने के लिए। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने केवल सत्ता मिलाना और सत्ता पे जाना यही मकसद लेकर हमारी पार्टी की शुरुआत नहीं हुई है। सत्ता हमारा अंतिम ध्येय नहीं है, सत्ता बदलना, सत्ता पे आना यही हमारा उद्दिष्ट नहीं है। तो राज बदलना है, समाज बदलना है और लोकतंत्र को जीवित रखना है, ये पार्टी की ताकत है। और हमारी विचारधारा के आधार पर हम संघर्ष करते रहे और आज संघर्ष करते करते आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, हमारे मुख्यमंत्री हमारे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे हैं और हमारे महापौर मेयर हमारे हैं। ये सब जगह पर हम सत्ता पर पहुँचे हैं। ये सत्ता हमको मिली, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो उस समय काम करने वाले निष्पृह निस्वार्थी विचारधारा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान को जाता है। और आज भी पार्टी जो बड़ी है और जो जीत हम सबको मिली है, और मैं बहुत बार सोचता हूँ, मैं कोई नम्रता के रूप में ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या हमारी औकात थी, क्या हमारी हैसियत थी। कोई हमारी औकात और हैसियत नहीं थी। हम साइकिल रिक्शा पर अनाउंसमेंट करने पर घूमते थे। ये गिरीश व्यास यहाँ इसमें से एक है मेरे साथ, ये और मैं ऑटो रिक्शा में बैठते थे और अनाउंसमेंट करते थे, लोग ऊपर से पत्थर मारते थे। एक बार मैं थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का था तो जानबूझकर जनता पार्टी के लिए हम लोग आनंदराव ठवरे यहाँ बैठे देवाड़िया भवन के सामने जाकर मैंने भाषण दिया कांग्रेस कार्यालय के सामने, तो ऊपर से इतने पत्थर मारे तो भी मैं खड़ा रहा, भाषण देते रहा और कांग्रेस को गालियां देता रहा, क्योंकि उस समय एक जुनून था विचारों के प्रति, लोकतंत्र के प्रति एक आस्था थी। सामने अंधेरा था
पर जान को जो भी है ताकत लगाकर इस परिस्थिति को बदलने की एक हिम्मत थी, एक विचार था, और वो प्रेरणा हमको हमारे विचार परिवार से, हमारे पार्टी के विचारधारा से मिली। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस छोड़कर जनसंघ की स्थापना की। उनको मंत्री पद था, वो सत्ता में थे, पर मंत्री पद छोड़कर उन्हें जनसंघ की स्थापना की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया और एक सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारे पास दिया। मैं ये बातें केवल इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम सत्ता में हैं। पुलिस वाले हमारे आगे पीछे घूमते हैं, लाल दीवे की गाड़ियाँ, अभी लाल दिया तो ख़त्म हुआ, मैंने ही ख़त्म किया इसलिए वो भूल नहीं जाता, पर अब तुमने ख़त्म किया है। पर आज लोगों को लगता है कि जो मंत्री बने, एमएलए बने, सांसद बने, मैं किसी को टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे जैसे लोगों को कभी कभी लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा, क्या मैंने मेरा नेतृत्व बढ़ा है। तो मैं आपको पहली बात करूँ, हम सब लोग एक बात ध्यान में रखें कि हम जो भी कुछ है वो हमारे आज तक के कार्यकर्ताओं ने अपने जो जीवन नौछार कर दिया देश के लिए, उनके कारण था। और आज हम जो चुनाव जीत रहे हैं, आज हमारे पार्टी की जीत हो रही है, हमारा नेतृत्व बहुत बड़ा, विश्व का नेतृत्व, मोदी जी को विश्व में मान्यता दी है, पर उन्होंने भी अपने जीवन की शुरुआत एक संघ के प्रचारक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में की है। और इसलिए आज भी हमको जो जीत मिलती है, विदर्भ में हो, महाराष्ट्र में हो, देश में हो, अगर इस जीत का सही श्रेय किसी को जाता है तो मेरे सामने बैठे हुए इन कार्यकर्ताओं को जाता है जिनके कारण हम जीते हैं। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विजय में अहंकार नहीं होना चाहिए। विजय में आपको पता है कि महाभारत होने के बाद युधिष्ठिर जब नदी के किनारे पर खड़े थे तो उन्होंने सबको जब अपने तरफ से श्राद्ध किया तब उन्होंने अपने जो भाई थे कौरव उनको भी श्रद्धांजलि दी और अपनों को भी दी, और उनके आंखों में आंसू थे, वो सबको याद कर रहे थे। और इसलिए आज के स्थिति में हम पुराने इतिहास को ना भूलें। पुराना इतिहास हमारी प्रेरणा है, पुराना इतिहास हमारे संघर्ष का इतिहास है, और इतिहास ये कोई खुशी से, आनंद से बैठे हुए लोड पर, कुर्सी पर बैठे हुए एयर कंडीशन सभागृह में या बड़े इसमें बड़े बंगले में बैठकर लिखा नहीं जाता। इतिहास खून और पसीनों से लिखा जाता है, परिश्रम से लिखा जाता है, बलिदान से लिखा जाता है, और वो इतिहास की विरासत हमारे पार्टी को मिली है। और इसलिए हम लोग ये बात याद रखें कि टिकट किसको मिलता है ये पार्टी तय करेगी, और वन चेयर कैनॉट अकोमोडेट मोर पर्सन्स एट ए टाइम। मुझे मेरे एक मित्र ने कहा, नितिन तेरी चल जाएगी तो तू हवाई जहाज में भी स्टैंडिंग शुरू कर देगा। वैसे एक कुर्सी पर 10 लोगों को एक के ऊपर एक तो नहीं बिठा सकते, और इसलिए किसी एक को टिकट मिलने वाला है और बाकी लोगों को नहीं मिलने वाला है। और जिनको टिकट नहीं मिलता वो आकर हमें ये कहते, मराठी में हमको पूछते, माझ्यात काय कमी आहे, मी इतके दिवस काम केलं त्याचं काही नाही का। और ये सवाल उसका बड़ा इमोशनल होके पूछते हैं। मुझे अनुभव है क्योंकि चुनाव के पहले से ज़्यादा चुनाव के बाद में जिनको टिकट नहीं मिलता उनको समझाने का काम का काफ़ी अनुभव मुझे मिला है। छोटे बच्चे जैसे रोने लगते हैं, भावना प्रधान भी होते हैं कार्यकर्ता। तो आज भी ये चुनाव होने वाला है तो देवेंद्र जी को एक को ही टिकट देना है, चंद्रकांत पाटिल जी को और नड्डा जी को। और एक जगह पर टिकट देते समय ये पार्टी की परंपरा है कि हमारी पार्टी पार्टी का हित, जनता का सोच और कार्यकर्ता का समर्थन, तीनों को संतुलित भाव से विचार करके जो व्यक्ति आता है, और उसके लिए आजकल तो सर्वे वगैरह भी करते हैं, और उसके बाद में जो कोई चुनकर आया होगा उसके कार्य का मूल्यांकन करते हुए इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल एंड फेयर,
डिसीजन पार्टी में होता है, किसी का कोटा नहीं है और कोटा होने वाली यह पार्टी भी नहीं है, यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और इसलिए कभी कभी पार्टी ने लिए हुए निर्णय एकाधे बार 2-4% शायद गलत भी हो सकते, क्योंकि मैं जब अपने अनेक सालों को याद करता हूँ तो मुझे भी याद है कि मेरे हाथ से भी कुछ गलतियाँ हुई है, टिकट देते समय गलतियाँ हुई है, पर वो बोनाफाइड मिस्टेक्स थी, मैलाफाइड मिस्टेक्स नहीं थी, क्योंकि वो गलतियाँ ऐसी हुई कि समझ में नहीं आया। तो गलती हो सकती है पर मैलाफाइड गलती नहीं हो सकती, जानबूझकर किसी को काटो किसी को टिकट दो ऐसा नहीं हुआ है। और इसलिए आज भी हमारी पार्टी की जो श्रेष्ठ परंपरा है संगठन की, जिसके हमारे कार्याध्यक्ष यहाँ आए हैं, प्रभारी आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष, इसका चयन करने वाला पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तो पहली बात कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सबको ये मैंने इतना पूरा रामायण इसलिए बताया है कि इसके बाद एक को टिकट मिलेगा, टिकट मिलने तक सब लोग अपनी बात रखो, बाद में जिसको मिलेगा पार्टी का झंडा लेके उसके पीछे खड़े रहो, उसके पीछे पूरी ताकत से खड़े रहो। और ये परंपरा है, मैं अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा, मैं मानता हूं कि कम से कम 1000 कार्यकर्ता नागपुर में ऐसे होंगे कि जिन्होंने मेरे से ज्यादा परिश्रम किया, मेरे से ज्यादा मेहनत की, मेरी मेहनत उनकी तुलना में कम थी। और ऐसे कार्यकर्ता थे कि तन मन धन से बोलते थे, कभी नितिन जी के पास मत जाओ, मुझे बताओ क्या चाहिए आपको। और ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता ही हमारे पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है। और इसलिए ऐसे कार्यकर्ताओं को लगता भी है कि भाई मुझे भी चांस मिलना चाहिए। मैं कभी कभी मजाक में, मेरे घर पर खूब लोग आते हैं तो बोलते तुमच्याशी खासगीत बोलायचं आहे, म्हटलं नका, मी चेहऱ्यावरून ओळखलं तुम्हाला काय पाहिजे आहे। म्हणले तर एक जण म्हणे मला काय काय ओळखलं, मी म्हटलं तुम्ही हेच सांगणार आहात की मला एक चान्स हवा। तर मैं जानता हूं कि ये थोड़ा सा टिकट डिक्लेयर करने के बाद एडजस्ट होने के लिए, मन को समझाने के लिए थोड़ा बहुत समय लगेगा। और कार्यकर्ताओं की यही विशेषता है कि जब उसके मन से निर्णय होते हैं, अनुकूल निर्णय होते हैं, तब तो वो अच्छा रहता ही है। पर कार्यकर्ता की सबसे बड़ी कसौटी तो ही होती है कि जब उसके मन के खिलाफ निर्णय होता है, निर्णय उसको नापसंद होता है, तब उसका चाल चलन व्यवहार कैसा है, उसी के ऊपर कार्यकर्ता परीक्षा में पास होता है। तो आप सब लोग उत्साह में भी हो, मैं तो आप सब लोगों को, जितने लोग इसमें बैठे टिकट मांगने के लिए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। इसका कारण मैं नड्डा जी की जिम्मेदारी ने उनके समस्या नहीं खड़ी कर रहा हूं, पर आप एक बात समझिए कि नड्डा जी को भी एक विधानसभा में एक ही टिकट दे सकते हैं, भगवान भी आया तो भी इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा एक ये भी है, मुझे बहुत से एमएलए ऐसे साहब मागचे पिछले चुनाव में मुझे उन्होंने बताया था, साहब हे शेवटचं तिकीट, पुन्हा तुमच्याकडे मागायला येणार नाही, पुन्हा या वर्षी आलेत। अरे मी म्हटलं मागच्या वेळी म्हटलं होतं ना शेवटचं तिकीट, मग आता नाही म्हणे, तुम्ही आशीर्वाद दिला तर तयारी आहे म्हणे, तब्येत चांगली आहे। देखो हमारी परंपरा ऐसी है, ये प्रवीण दटके हमारे जो अध्यक्ष है, इनके पिताजी प्रभाकर और दटके हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, उस समय मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो छोटू भैया दाकरस जिनके मार्गदर्शन में मुझे संगठन में काम करने का मौका मिला, खूब बहुत सीखने को मिला, तो उन्होंने चुनाव के पहले मुझे कह दिया कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो लोकप्रिय थे, तबीयत अच्छी थी, तो मैंने उनको कहा छोटू भैया आप क्यों बोल रहे हो मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं बोले, मैंने तुमको बताया मैं
उचित जगह पर अपना बात बताइए, आप नए व्यक्ति के बारे में सोचो, और अगर आपको अगर सही लगता है तो मेरे बात प्रभाकर दटके जी को यहाँ से चुनाव में खड़े करो। तो उन्होंने खुद होकर विड्रॉ किया। जब लोग कह रहे थे कि आप लड़ो लड़ो, तब उन्होंने अपना टिकट छोड़ा, और यही हमारे पार्टी की परंपरा है, और ऐसे बहुत कार्यकर्ता है। और इसलिए कभी कभी यही तो सोचो कि क्या हमने ही ठेका लिया है क्या जीवन भर। और उसमें फिर एखादे बार नहीं हुआ तो ठीक है, मला नहीं द्यायचं तर ठीक आहे, मग माझ्या मुलाला द्या, नाही तर बायकोला द्या, ये पार्टी में नहीं होता ये काम। किसी का बेटा बेटी होना गुनाह नहीं है, पर तुम मत कहो, लोगों को कहने दो कि इसको टिकट दो तो टिकट मिलेगा उसको, आप क्यों कह रहे हो। और इसलिए आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहली भूमिका ये लेकर जाइए कि हमें पार्टी और विचारधारा के साथ खड़ा होना है, और पार्टी जिसको चुनकर देगी उसके झंडा उतना लेकर उसके पीछे खड़े रहना है। और ये संकल्प करके आप सब यहाँ से जाएंगे तो मैं नड्डा जी को विश्वास देना चाहता हूँ कि विदर्भ में 62 हमारी विधानसभा बराबर है ना, और भाजपा शिवसेना इसकी अलायंस होने वाली है, हो गया ऐसा मुझे लगता है, और इसलिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो भी जिस परिस्थिति में है, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस को पराभूत करके हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराना चाहिए, जिताना चाहिए, और इसका संकल्प करके आपको यहाँ से जाना है। और ये संकल्प करने के लिए नड्डा जी आए हैं। आप सब बहुत अनुभवी कार्यकर्ता हैं, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और एक बात हिंदी में कहते हैं ना कि समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। तो ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, अपने पार्टी को विदर्भ में 100% हमको जीत दिलानी है, और देवेंद्र जी के नेतृत्व में फिर से एक बार पिछले से भी ज़्यादा सीटें हासिल करके हमारी सरकार बनानी है। ये संकल्प करके आप सब लोग यहाँ से जाकर काम का शुभारंभ करें, यही उद्देश्य से आज का यह सम्मेलन है। नड्डा जी मार्गदर्शन करने वाले हैं, मैं उनको आप सब के तरफ से, क्योंकि आप सब का स्वभाव, आपकी कटिबद्धता, आपका आत्मविश्वास, आपका कर्तृत्व, आपकी गुणवत्ता, उसको मैं जानता हूँ, और आपके समर्पण को भी जानता हूँ। एक वेल डिसिप्लिन कार्यकर्ता के रूप में आपके स्वभाव को भी जानता हूँ, और अगर आप सबके अनुमति से उनको मैं विश्वास देता हूँ, आप चाहे जिसको टिकट दो, ये कार्यकर्ता पूरी ताकत और शक्ति के साथ हमारे पार्टी को 100% जीत विदर्भ में हासिल करने का संकल्प करके यहाँ से जाएगी, यहाँ से कार्यकर्ता जाएंगे, यह विश्वास नड्डा जी को देते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।